नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन। आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना ही होंगे और आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते और एक अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन कैसे ट्रेड होता है, ट्रेड करके कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, वो पैसा कैसे अपने बैंक अकाउंट में जाएगा, उसके बाद ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हो कि आप कैसे अपने मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग करके पैसा कमा के अपने पैसा को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे, तो कृपया करके पूरी वीडियो को देखें जिससे आपको पता लग जाएगा कि घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है। तो चलिए वीडियो को। आज जो हम ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है जीरोदा काइट्स, यानी कि हमारा जो अकाउंट है यानी कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जीरोदा में है। तो हम सबसे पहले उस ऐप्स को डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ। काइट्स, ये देखिए काइट जीरोदा आ गया, ये हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद उसे हम ओपन करना है। ओपन करने के बाद यह आपको आपके यूजर आईडी और पिन नंबर डाल के लॉगिन करना है। तो मैं पहले कर चुका था इसको इंस्टॉल एक बार, तो इसके लिए हमें सिर्फ पिन के ज़रूरत से ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी सॉफ्टवेयर जो ओपन हो गया है। इसके बाद देखिए सबसे पहला जो नंबर है इसमें अब वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट ये होता है इसमें कि आप किसी भी स्टॉक को ऐड करके रख सकते हैं या फिर वॉच कर सकते हैं, और उस वॉच लिस्ट से आप उससे बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं कोई एक स्टॉक ऐड कर लेता हूँ। पहले सर्च करना है, मैं एक्सिस बैंक ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए एक्सिस बैंक NSE, मैं इसको प्लस पर क्लिक करूँगा तो ये उधर ऐड हो जाएगा। ये देखिए एक्सिस बैंक इधर ऐड हो गया दोस्तों। उसके बाद जो आपको दिख रहा है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में हमें जो पेंडिंग ऑर्डर है यानी कि हम जो बाय या सेल करने में रखे हैं उसके स्टेटस आपको पेंडिंग में दिख जाएगा नीचे। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में जो भी ऑर्डर अपना सक्सेसफुल हो जाता है बाय या सेल करने के बाद वो आपको यह शो करेगा। उसके बाद आता है GTT। GTT ऑर्डर मतलब जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाता है या फिर टारगेट सेट करते हैं किसी स्टॉक के बाय सेल करते समय, तो उसका स्टेटस आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आपको इसमें फंड कैसे ऐड करने, फंड ऐड करने के लिए आपको प्रोफाइल पर जाना है। देखिए इधर जहाँ आपका आईडी नंबर शो होगा उसमें क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इधर नीचे फंड का ऑप्शन दिखेगा उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर देखिए ऐड फंड दिख रहा होगा, ऐड फंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कितना रुपये ऐड करना चाहते हो वो अमाउंट इधर इधर आपको डालना है। जैसे मैंने 2000 रुपये डालता हूँ। उसके बाद इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा पैसे ऐड करने के लिए, जैसे UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग, आधार वॉलेट। तो मैं गूगल पे के तरह माध्यम से करना चाहता हूँ 2000 रुपये ऐड। गूगल पे 2000 रुपये डाल दें, उसके बाद गूगल पे पर क्लिक कर देता हूँ। गूगल पे पर क्लिक करने के बाद सीधा गूगल पे में डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद ये आपको प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो गूगल पे आईडी का जो पिन है वो डाल देना है। डालने के बाद उसे सबमिट कर देना है। देखिए पेमेंट अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आप जाएंगे फिर से जीरोदा के ऐप में, इधर 2000 रुपया अभी थोड़ा टाइम में अपडेट हो जाएगा। ये देखिए 2000 रुपये अपडेट आ गया। अभी जो भी मेरा कैश बैलेंस है 2000 रुपये, पे इन 2000 रुपये मतलब अभी जो मैंने ऐड किया, ठीक है। और ये जो बैलेंस है मेरा इक्विटी के लिए है, मैंने कि स्टॉक मार्केट के लिए ऐड किया मैंने। मैंने कमोडिटी के लिए कोई पैसा अभी नहीं रखा है क्योंकि मैं कमोडिटी ट्रेड नहीं करता हूँ।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ट्रेड अभी कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए तो चलिए सबसे पहले हम वॉच लिस्ट में जाएंगे। इधर एक्सिस बैंक जैसे मैंने वॉच ऐड करके रखा है उस पर क्लिक करते हैं, उसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 405.60, तो मैं मार्केट प्राइस में अगर ख़रीदना चाहता हूँ तो इधर प्राइस ऑलरेडी सेट हो जाएगा। और मैं इंट्राडे के लिए करना चाहता हूँ, यानी कि EMI में क्लिक करता हूँ, मतलब आज ख़रीद के अभी आज ही बेचना है मेरे को, और मार्केट ऑर्डर सेट करता हूँ, उसके बाद हम बाय करते हैं। ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक एक मैंने बाय किया 405.55 से, और ये एग्जीक्यूट में आ गया। ओके, उसके बाद हमको ये जो ये स्टॉक में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे जानने के लिए हमें इधर ऑर्डर के बाजू में पोर्टफोलियो पर जाना है। पोर्टफोलियो पर जाने के बाद पोजीशन में अपनों को क्लिक करना है। पोजीशन में देखिए एक ही स्टॉक है, और देखिए ये इसका जो अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है 30 पैसा का ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने 405.55 में खरीदा था, 405.60 या 80 पैसा में अभी चल रहा है, मतलब 15-20 पैसा ऊपर है। तो मैं चाह इससे अभी 3:15 बजे 3:15 तक होल्ड भी कर सकता है, या फिर अभी जी थोड़ा जब भी मेरे को लगे कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है उधर में हम निकाल भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फ़िलहाल के लिए अभी आपको सेल करके दिखा देता हूँ। तो पोजीशन में जाने के बाद उस एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद भी आपको सेम ऑप्शन दिखेगा, जैसे क्वांटिटी एक ही है, प्राइस, MIS। अब इस सभी ऑर्डर को भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी लिमिट में कर सकते हैं। जैसे 405.85 चल रहे, तो 405.90 पे भी मैं आप रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ 405.90। उसके बाद रेगुलर ये सब कुछ नहीं करना है, ऑर्डर में लिमिट लगा दिया मैंने, तो अभी सेल पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए अभी ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, ठीक है। तो ऑर्डर में अभी पेंडिंग ऑर्डर एक है, देखिए एग्जीक्यूट हो गया, मतलब 405.90 में मेरा स्टॉक सेल हो गया है। तो इसमें मेरे को कितना रुपया प्रॉफिट मिला, 45 पैसा का, नहीं 35 पैसा का मेरे को प्रॉफिट मिला। तो ये इस तरह से आप बहुत सारे क्वान्टिटी में स्टॉक बाय या सेल करके पैसा कमा सकते हैं। अभी चलिए आपको दिखाते हैं कि पैसा आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आपके क्लाइंट कोड के आईडी पर जाना है। क्लाइंट कोड के आईडी पर जाने के बाद आपको फंड पर जाना है। फंड पर जाने के बाद देखिए इधर आपको अवेलेबल कैश बैलेंस दिख रहा है 2,035 रुपया, ठीक है 2,035 रुपया दिख रहा है। इसमें से जो बैलेंस आप निकाल सकते हैं उसके लिए मैं हमको विड्रो पर क्लिक करना है। विड्रो पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जीरोधा का, ये देखिए विड्रो टू बैंक, विड्रो अमाउंट, क्योंकि इसमें अभी दिखा रहे हैं विड्रोएबल अमाउंट 0.38, क्योंकि इसमें अभी कोई मेरा पैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्टॉक अभी परचेस किया है उसका जो बैलेंस है वो अभी, मतलब उसमें अब जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया नहीं है। क्योंकि चिरोधा का जो रूल है उसमें एक ये है कि आप कोई भी स्टॉक जब ट्रेड करता है या फिर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, मतलब आप मैंने आज ट्रेडिंग किया उसका 2 वर्किंग डेज के बाद वो पैसा हमारे या मतलब शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप उस पैसा को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से पैसा को निकालना है। विड्रो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर अमाउंट शो हो जाएगा विड्रोएबल, उसमें आपको जितना भी बैलेंस होगा उतना आप विड्रो कर सकते हैं, विड्रो टू बैंक। उसका विड्रो अमाउंट डालना है इधर, प्रोसेस कर देना है, और प्रोसेस करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। अभी आपको बात करते हैं कि इसमें मार्जिन का क्या सीन है। जीरोधा में जो मार्जिन का सीन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपके पास 500 रुपया है, आप चाहते हैं कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए, तो इसके 500 रुपये का आपको 2,500 रुपये वैल्यू हो जाता है अगर आप 3:15 के बाद ट्रेड कर सॉरी 9:15 के बाद ट्रेड करते हैं सुबह, और 3:15 से पहले निकल जाते हैं, तो 2,500 रुपये तक का आपको मार्जिन मिलता है। और आप किसी भी ट्रेड मतलब स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, जैसे 500 रुपये का बैलेंस है, आप 500 रुपये का कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं, तो आप एक ही स्टॉक उसमें होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह के मार्जिन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि होल्डिंग के लिए कोई भी मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता है। तो
इसी तरह से आप जीरोधा के इस ऐप से ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं और उस पैसा को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप कैसे अपने मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है और उस पैसे कमा के उस पैसा को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप चैनल में नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।